अबे खाली खड़े हो ना, सामान सुमून लगा लो, सामान लगाओ। अरे भैया आप वही हो ना जो पहले वेजिटेबल सेल करते थे? जी। अच्छा अच्छा, अब आप ये मत बोलना कि कहते ये मेरा कोई चौथा भाई है, समझे? ओ नीनी बहन जी, पूरी बात तो सुन लो पहले। मैं वही हूँ सब्जी वाला जो पहले सब्जी बेचा करता था। जब से आपने मेरी दुकान से सब्जी ली ना बहन जी, तब से मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है और मैंने अब ये बढ़िया सेटअप कर लिया, मतलब ये परचून की दुकान खोल ली बहन जी मैंने। ओ वाओ, कांग्रेचुलेशंस भैया। अच्छा चलिए, अब आप ना मुझे 2 dozen रेड चिली पाउडर दे दीजिए। अरे बहन जी, इतने बारीक दानों को कौन गिनने बैठेगा? पाउडर तो वैसे भी किलो में आता है ना। हाँ हाँ, तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए ना, केजी में दे दीजिए। अरे एक काम करो, 100 ग्राम लाल मिर्च दे। 100 ग्राम लाल मिर्च का पैकेट दे। ये तो वही आदमी ना जिसने मैं 500 की साड़ी 20,000 में दी थी। ओ नीनी भाई साहब, ये वो नहीं है, ये तो अपना गोलगप्पे वाला है, अपना छोटा भाई है, इसने और मैंने तो साथ में दुकान खोली। अच्छा, और ये अब ये मत बोल देना कि तुम्हारा चौथा भाई है। नहीं नहीं भाई साहब, ये वही है जिसने 500 की साड़ी आपको 20,000 की बेच दी थी। जब से इसने आपको वो साड़ी बेची है ना महंगी, तब से इसकी दुकान चौपट हो गई और बंद हो गई। इसको मैंने अपने यहाँ दुकान पे रख लिया, अब ये नौकरी कर रहा है मेरे यहाँ। सो सैड पे तो। तुम कहाँ बातों में लग गए हो यहाँ पर। अच्छा भैया, आप ना मुझे वो दीजिए, वो जो होता है ना, अरे भैया वो जो होता है ना, वो जो फास्ट सा होता है। अरे भैया वो जो फास्ट सा होता है जिसमें बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है भैया, अरे वो बहुत अच्छी खुशबू वाला सा होता है। परफ्यूम? अरे भैया परफ्यूम नहीं, आप तो बड़े ही गधे हो। अरे आप बोलो ना फास्ट लीफ के बारे में उसे। अरे तेज पत्ता मांग रही है, 100 ग्राम तेज पत्ता दे। बहन जी आपसे ना एक रिक्वेस्ट है बहन जी, जो भी आप कुछ बोल रही है ना आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि आपकी अंग्रेजी ना मेरे पल्ले नहीं। हाँ तुम्हारी हिंदी भी देख लेती हूँ मैं कैसी है। चलो मुझे ना वो दो, वो जो काला काला गोल गोल सा होता है ना वो दे दो। काला काला? भैया वो जो काला काला गोल गोल और राउंड राउंड सा नहीं होता, जो बड़ा तीखा सा होता है खाने में और उसकी ना बड़ी प्यारी खुशबू होती है, उसको ना हम गार्निश करने के लिए पास्ता में भी डालते हैं, पता नहीं है क्या आपको? इलायची? भैया मैं ना आपको एडवाइस कर रही हूँ, प्लीज आप तीनों ब्रदर्स ना अपनी ये जो दुकान है इसमें शटर बंद कर दो और अपने वापस धंधे पे चले जाओ, उस ठेले वाले धंधे पे, क्योंकि आपके बस ही काम नहीं है ये ग्राहकों को संभालना, समझ में आई? इलायची हरे रंग की होती है काले रंग की होती है? चलो मैं ना आपके लिए एक फेवर ही कर देती हूँ, मैं ना हिंदी में बोल देती हूँ, आप ना मुझे काला कागज दे दो। काला कागज? मैडम ब्लैक पेपर मांग रही है। Exactly, इतनी देर से मैं आपको यही तो बता रही हूँ पर आपकी तो बुद्धि में ही कोई बात नहीं समझ में आती मेरी। एक काम करो, 100 ग्राम काली मिर्च दे। अच्छा सुनो, तुम ना भैया को पेमेंट कर दो, ठीक है? इतनी धूप हो रही है, मैं ना थोड़ा आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, ठीक है? ओके बाय भैया। बाय बहन जी। एक बात बता यार, तुझे कैसे पता कि वो क्या मांग रही थी? अरे भाई साहब, हमारी वाली भी कल किंग मॉम ढूंढ रही थी। किंग मॉम मतलब? राज माँ। लगता है भैया आपकी बीवियाँ ना इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हैं। एक मिनट, तुझे हर बार कैसे पता लग जाता है कि वो क्या मांग रही थी, मुझे ये बता। भैया पैसे काटो तुम, मैं आता हूँ। सुनो वो ना मैंने आइसक्रीम वाले को। हाय गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो ज़रूर करें। बाय गाइस। फेसबुक पर डिजिटल कलाकार के पेज को लाइक करें और फॉलो में जाकर सी फर्स्ट करें ताकि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो।